जबकि धर्मपुर नगर में पुरानी बस्ती और प्रखंड में आसन तलिया पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। नगर में विधायक सुखराम उराम ने किया उद्घाटन, साथ में मौजूद रहे सांसद प्रतिनिधि रमेश ठाकुर, पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश जैना, प्रखंड में DDC संदीप बख्शी, प्रशिक्षु IAS सुश्री राज लक्ष्मी, जिसम गुरु जी आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उराम, विधायक प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और पदाधिकारी मिलकर किए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। खबर विस्तार से, जगदीधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 पुरानी बस्ती में और प्रखंड में आसतलिया पंचायत में पंचायत भवन में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखराम उराव एवं विशिष्ट अतिथि में सांसद प्रतिनिधि रमेश ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार यादव, पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश जैना व अन्य मौजूद थे। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा कुल 16 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं को रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक सुखराम उराम ने अपने संबोधन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होकर लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है, नगर स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। सरकार की योजना कैसे समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को लाभ पहुंचाना ही सरकार का उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करना ही इसका उद्देश्य है। किशोरी बाई स्मृति योजना, जयपाल सिंह मुंडा पादेशी छात्रवृत्ति योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जैसे कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। पहले राज्य सरकार ने जो नहीं किया वो इस सरकार में हो रहा है। मौके पर सिटी मैनेजर अभिषेक कुमार, निशांत कुमार समेत काफी संख्या में लोग एवं कर्मचारी मौजूद थे। इसी तरह प्रखंड में DDC संदीप बख्शी, प्रशिक्षु IAS श्रुति राज लक्ष्मी, डिशम गुरुजी आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उराम, विधायक प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और पदाधिकारी मिलकर किए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किए। संचालन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने किया। इस सरकार में, गठबंधन की सरकार में पहली बार ये देखा जा रहा है और ये कार्यक्रम में हमको लगता है कि बहुत पहले से ही सरकार के द्वारा, जिला के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा में प्रचार प्रसार किया गया है और आज शुभारम्भ है। संयोग में हम लोग यहाँ पे हमारे नगर विकास के, नगर पालिका के हमारे कार्यपालक और उसके बाद हमारे संसद के प्रतिनिधि हम लोग सब हैं। आज शुभारम्भ हुआ है, कल से जो है रेगुलर जैसा था कि हर वार्ड में हम लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, विभाग भी जाएगा। और जो सरकार का जो लाभ है, सरकार का जो योजना है, हमको लगता है यहाँ नगर पालिका के अंदर में, नगर विकास में 16 वो योजना चलेगा। वही ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो लगभग 24 की योजना है। ऐसा कई योजना ऐसा है, कई ऐसा योजना है कि नगर पालिका में वो नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों का मांग है, कई योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो हम लोग शहर के लोगों को भी मिले, तो ये सारा चीज़ है। लेकिन नगर विकास में 16 योजना है और 16 योजना फुल फेज में हमको लगता है कि हर वार्ड में ये मतलब ये कार्यक्रम चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये सरकार की मानसा है और आप लोग इसीलिए धन्यवाद दिया जा रहा है कि सरकार का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ में गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो बात हो रही है, वो आपके माध्यम से हम लोग गाँव के अंतिम व्यक्ति तक लोगों को पहुँचाने के साथ साथ में उसको लाभ मिले आपके माध्यम से, इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है। और ये आप देखते होंगे कि पिछले दिन जो हम लोग कार्यक्रम आए थे, 5 नंबर वार्ड में कार्यक्रम हुआ, तो कमिश्नर साहब भी आए थे। तो ऐसा है, आज ही मेरा सुबह, कल शाम को SDO मंडल से, DC साहब से मेरी बातचीत हुई थी कि जो है हम आएंगे। आज तो शुभारम्भ जो है मनोहरपुर विधानसभा में मंत्री मैडम के साथ में गए हुए हैं, SDO मैडम भी गई है और DC साहब भी गए हैं, तो आपके यहाँ भी हम लोग तय करके हम लोग आएंगे। तो पूरा प्रशासन जो है पूरी तरह से सरकार
का जो उद्देश्य है, जो लाभ पहुंचाना है, वो काम के लिए पूरी तरह से एकदम निस्वार्थ भाव से लोग कर रहे हैं। आज स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग बहुत लोगों से संपर्क नहीं कर पाए हैं, जैसा कि प्रचार प्रसार तो हुआ ही है। कुछ टाइम जो था पिछले दिन, कुछ 15-16 तारीख से चालू होने वाला था ये कार्यक्रम, उद्घाटन होना था, तो छठ के लेके समय को तो बढ़ा दिया गया, 24 कर दिया गया। तो कुछ लोगों को लगता है हमको सूचना की कमी है। आज शुभारम्भ हो गया, आज आपके माध्यम से प्रेस में चल जाएगा, व्हाट्सएप फेसबुक में चल जाएगा, तो हमको लगता है कल से रफ्तार पकड़ेगा। जिन लोगों को लाभ लेना है, घर तक सरकार पहुंची है और आपको लाभ लेना चाहिए। जिन लोगों को लाभ मिलेगा, हमको तो बहुत ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 16 स्टॉल लगभग लगा हुआ है, और जिसको जहाँ जिस स्टॉल में काम है उस स्टॉल में जाए, और वहाँ रजिस्ट्रेशन का बात है तो रजिस्ट्रेशन करें, आधार कार्ड का जरूरत है तो आधार कार्ड साथ में रखिए, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा वो करें। हमको लगता है सीधा आज तुरंत उसको लाभ मिलने का काम होगा। आप लोग देख ही रहे कंबल हम लोग बांटे हैं, और उन लोगों से मेरा विनती निवेदन होगा, जो हम लोग सूचना मिलती है कि कंबल लोगों को जो लेता है और तुरंत तत्काल कंबल को दूसरे जगह दे दिया जाता है किसी न किसी रूप से, तो कंबल को सरकार का कंबल को रखे और उसमें यूज को कंबल जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा हो। क्योंकि अभी तक ठंड नहीं लगी, लेकिन हमको लगता है आगे चलकर ठंड बहुत ज़्यादा, इस बार ज़्यादा ठंड रहेगा, ऐसी सूचना जो है। ऐसा बहुत सारा है, दवा है, समय सीमा का मैंने समय ठीक समय में कंबल का वितरण हो रहा है, कई चीज़ों का, मतलब केवल कंबल नहीं है। 16 योजना नगर विकास में चलेगा, तो कई सारा योजना है जिसमें कि सीधा सीधा लाभ जो है हमारे लोगों को मिल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी सर।